जब कान्हा बने अपने भक्त के देवर, पड़े निराली कथा। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा, यहीं सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल कर रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल हैं, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती हूँ ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे, मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसीलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह भी। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़ कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही हैं, कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा, तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए, कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई
पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहू देर हो गई, पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली बिहारी जी सामने हैं। घूंघट काहे खोले घूंघट, नाए खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा, तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया, बोला क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो हैं। उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति हैं। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए।